गिनती 29वां बाब और 7वें महीने की पहली तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई खादिमाना काम ना करना। ये तुम्हारे लिए नरसिंगे फूंकने का दिन हो। तुम सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर एक बछड़ा, एक मेंढा और 7 बेऐब यकसाला नर बर्रे चढ़ाना, ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू ठहरे। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर और फी मेंढा 5वें हिस्सा के बराबर, और 7 बर्रों में से हर बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर हो, और 1 बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो, ताकि तुम्हारे वास्ते कफारा दिया जाए। नए चांद की सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और उनके तपावनों के अलावा जो अपने अपने आयन के मुताबिक गुजराने जाएंगे, ये भी राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाए जाएं। फिर उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम अपनी अपनी जान को दुख देना और किसी तरह का काम ना करना, बल्कि सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 7 यकसाला नर बर्रे खुदावन के हजूर चढ़ाना, ताकि ये राहत अंगेज खुशबू ठहरे। ये सब के सब बेऐब हों। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा फी बछड़ा एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर और फी मेंढा 5वें हिस्सा के बराबर, और 7 बर्रों में से हर बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर हो, और खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा हो। ये भी उस खता की कुर्बानी के अलावा जो कफारा के लिए है, और दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावनों के अलावा चढ़ाए जाएं। और 7वें महीने की 15वीं तारीख को फिर तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। उस दिन तुम कोई खादिमाना काम ना करना, और 7 दिन तक खुदावन की खातिर ईद मनाना, और तुम सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर 13 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना, ताकि ये राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे, और ये सब के सब बेऐब हों। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर 13 बछड़ों में से हर बछड़े पीछे तेल मिला हुआ मैदा एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर, और दोनों मेंढों में से हर मेंढे पीछे 5वें हिस्सा के बराबर, और 14 बर्रों में से हर बर्रा पीछे एफा के 10वें हिस्सा के बराबर हो, और 1 बर्रा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और दूसरे दिन 12 बछड़े, 2 मेंढे और 14 बेऐब यकसाला नर बर्रे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आइन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हों। और 1 बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावनों के अलावा चढ़ाए जाएं। और तीसरे दिन 11 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों।
और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आयन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और चौथे दिन 7 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों, और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आइन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हों। और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो, ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और पांचवें दिन 9 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों, और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आइन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और छठे दिन 8 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों, और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आइन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और सातवें दिन 7 बछड़े, 2 मेंढे और 14 यकसाला बेऐब नर बर्रे हों, और बछड़ों और मेंढों और बर्रों के साथ उनके शुमार और आइन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हों, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। और आठवें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना, बल्कि तुम एक बछड़ा, एक मेंढा और 7 यकसाला बेऐब नर बर्रे सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना, ताकि वो खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरे। और बछड़े और मेंढे और बर्रों के साथ उनके शुमार और आइन के मुताबिक उनकी नजर की कुर्बानी और तपावन हो, और एक बकरा खता की कुर्बानी के लिए हो। ये सब दायमी सोख्तनी कुर्बानी और उसकी नजर की कुर्बानी और तपावन के अलावा चढ़ाए जाएं। तुम अपनी मुकर्रा ईदों में अपनी मन्नतों और रजा की कुर्बानियों के अलावा यही सोख्तनी कुर्बानियां और नजर की कुर्बानियां और तपावन और सलामती की कुर्बानियां गुजरानना, और जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया वो सब मूसा ने बनी इसराइल को बता दिया।